मेरे चैनल में मनोज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल मोटिवेशन वर्ल्ड में। आज आप सभी को मैं जो कंजंक्टिवाइटिस का जो प्रॉब्लम हो रहा है अभी वायरल फ्लू चल रहा है उसका आँख लाल बन जाना, उसमें जलन, उसमें स्वेलिंग, सुबह उठते समय उसको चिपक जाना, गंदा निकल जाना आँख से, इन सभी समस्याओं में आपको कौन सा दवा इस्तेमाल करना है और कैसे आपको इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है और क्या क्या परहेज आपको करना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये आप तर्जुमे में देख सकते हैं, ये मोक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन का ड्रॉप है। मोक्सीफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक्स है जो ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में मददगार होती है, और डेक्सामेथासोन जो एक स्टेरॉइड है जिसमें आपको एलर्जी, कोई स्वेलिंग को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो जब भी आप इसे इस्तेमाल करें, दो गुण सुबह एक बार, शाम को एक बार आपको लेना है, ड्रॉप इस्तेमाल करना है। अगर आपको ज़्यादा ही खुजली वगैरह ज़्यादा है बोले से एंटी स्टामाइन सेट्रिजिन टेबलेट का भी आप सेवन कर सकते हैं, रोज़ एक एक आपको लेना है। तो हाथ को आप बार बार साफ करें ताकि वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन ग्रोथ हो रही है वो आप कहीं में भी टच करें तो वो इन्फेक्टेड दूसरा को भी जा सकता है, और अपना हाथ को कम से कम अपने आँख में ले जाने का प्रयास करें, कम करें, ताकि आप लेके आँख में आप बार बार लगाते रहेंगे तो वो इन्फेक्शन ठीक होने में काफ़ी वक्त ले। तो ये ड्रॉप जो आपको इस्तेमाल करना है 5 से लेकर 7 दिन तक इसका ड्यूरेशन रहता है। कभी कभी अगर ये सीवियर हो तो आप आई स्पेशलिस्ट का डॉक्टर का सलाह जरूर लें ताकि इससे आप निजात पा सकें, लेकिन ये कम से कम 3 से 4 दिन या 5 दिन का बीच में ये ठीक हो जाता है। ये एक वायरल फ्लू है, इससे कोई घबराना नहीं है। इससे आपका इसका सिम्टम्स जो आँख लाल बन जाना, आँख में खून के दब, खून जैसा आँख कलर बन जाता है, ये तस्वीर में आप देख भी सकते हैं ऐसा होता है, और गंदा चिपक जाना, ये सब सिम्टम्स इसका रहता है। तो धूप वगैरह में जाने से सन ग्लास का इस्तेमाल करें। अब इन सब बातों को कम में ध्यान रखें, ध्यान रखने से आपका ये बीमारी जल्द से जल्द ठीक होगा, और घबराना नहीं है, बहुत ही एक माइल्ड प्रॉब्लम है, ये फ्लू चल रहा है इसका। तो आपको अगर इन सब समस्या हो तो ये मोक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करें और ये बीमारी से निजात पाएँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अगर पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।